Hello dear students, today we will discuss part 2 of community services lesson 5. So let's start. Got your book? Okay. Yes, now we start our second part of the chapter lesson number 5, community services. Now our second part is water harvesting in olden times. पुराने समय में जब इतनी सारी कम्युनिटी सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती थी उस टाइम में रेन वाटर को कैसे हार्वेस्ट किया जाता था, कौन सी टेक्निक्स थी जिनके थ्रू हम वाटर को कलेक्ट करते थे, स्टोर्स करते थे और उसको यूज़ करते थे, और उनका यूज़ कहाँ होता था? इरिगेशन यानी सिंचाई। जो खेतों में फसलों में हम पानी देते हैं ना, उसे इरिगेशन बोला जाता है। ड्रिंकिंग पीने के लिए एंड अदर पर्पजेज और दूसरे उद्देश्यों के लिए। इन ओल्डन टाइम्स पुराने समय में इंडिया हैड अ वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। इंडिया के पास वाटर हार्वेस्टिंग का एक बहुत अच्छे तरीके हुआ करते थे, बहुत टेक्निक्स होती थी जिनके थ्रू इंडिया के लोग जो हैं वो पानी को, रेन वाटर को हार्वेस्ट करते थे। ईच विलेज सेव्ड वाटर टू फुलफिल इट्स रिक्वायरमेंट। हर एक गांव के लोग जो थे वो पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, रेन वाटर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ड्राई मंथ्स में, सूखे के महीने में जिन दिनों बारिश नहीं होती थी, और फसलों को, पशुओं को, एनिमल्स को ड्रिंकिंग वाटर की, इरिगेशन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरत होती थी, तो उसके लिए हर एक गांव के लोग जो थे वो रेन वाटर को स्टोर करके रखते थे। देयर वॉज नो शॉर्टेज ऑफ वाटर। उस समय में पानी की शॉर्टेज नहीं होती थी जैसे आजकल के टाइम में होती है, उस टाइम पानी की कोई शॉर्टेज नहीं होती थी। मैनी ऑफ द ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेज एग्जिस्ट इवन टूडे। जो वो लोग जो तरीके यूज़ करते थे, जो चीज़ों का, जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे वाटर को स्टोर करने के लिए, वो ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेज आज भी कई जगह देखने को मिलते हैं। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ देम आर इन ड्यून्स ड्यू टू नेग्लेक्ट एंड पुअर मेंटेनेंस। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, अनफॉर्चुनेटली मिंटू से दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये जो वाटर सोर्सेज हैं पुराने ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेज हैं जो अब हमें मिलते हैं खुदाई में, या फिर जो पुराने हो चुके, खंडरनुमा स्थिति में है, ये बड़े पुराने और निग्लेक्ट, इनकी मेंटेनेंस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, इनको निग्लेक्ट किया जाता है, तो ये जो चीज़ें हैं वो आज भी मौजूद हैं। इन रीसेंट टाइम और आज के टाइम में एफर्ट्स हैव बीन मेड टू रिवाइव द ओल्ड वाटर बॉडीज एंड टू पॉपुलराइज वाटर हार्वेस्टिंग। एफर्ट्स हैव बीन मेड टू रिवाइव द ओल्ड वाटर। इन रीसेंट टाइम्स एफर्ट्स हैव बीन मेड टू रिवाइव द ओल्ड वाटर बॉडीज। आज के टाइम में हम कोशिश कर रहे हैं कि जो पुराने टाइम में टेक्निक्स यूज़ की जाती थी हम उसको रिवाइव करें, ठीक ठाक करें, उनको मेंटेनेंस करें, उस तरह की टेक्निक्स को दोबारा से बनाएं, एंड टू पॉपुलराइज वाटर हार्वेस्टिंग। और वाटर हार्वेस्टिंग को ज़्यादा से ज़्यादा हम रेन वाटर को हार्वेस्ट करें। इट सेव्स रेन वाटर फ्रॉम गेटिंग ड्रेन्ड एंड वेस्टेड। इससे क्या होगा कि हमारा जो बारिश का पानी है वो ड्रेन होने से, यानी नालियों में बहने से, वेस्ट होने से बच जाएगा। इट्स सॉल्व्स अ प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्केयरसिटी। और इससे हमारी पानी की जो समस्या है, हर साल गर्मियों में जो हम फेस करते हैं वाटर स्केयरसिटी को, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। आई विल शो यू द डायग्राम। लेट्स सी दिस वे, लेट्स सी द ओल्डन वे, ओल्डन टेक्निक्स। पुराने टेक्निक में कैसे वाटर को सेव किया जाता था, जैसे कि ये देखिए, ये स्टेयर्स आप देख रहे हो, ये जगह है अंडरग्राउंड, ये जगह होती थी, जब बारिश आती थी तो इस जगह से पानी स्टेयर से होता हुआ नीचे चला जाता था और वो पानी नीचे स्टोर हो जाता था। स्टूडेंट्स, ये जो टेक्निक है हम लोग तो भूल गए, अभी इंडियंस फॉरगेट दिस, बट जापानीज इस टेक्निक को नहीं भूले। जापान में अभी पिछले कुछ सालों में सुनामी आई थी, तब जापानीज ने ये टेक्निक फॉलो की, उन्होंने ताकि पानी से दोबारा नुकसान ना हो, सुनामी जैसी समस्याओं को दोबारा फेस ना करना पड़े, उन्होंने इस तरह से एक अंडरग्राउंड लेवल बनाया ताकि जितना पानी आएगा बाहर सड़कों पर आएगा वो सारा बह करके यहाँ से नीचे चला जाएगा, और फिर उसी वाटर को इलेक्ट्रिसिटी में, इरिगेशन में और दूसरे पर्पसेस में यूज़ किया जाता था। ये हमारी टेक्निक थी। नेक्स्ट, अब जो टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं वो है वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट। हम क्या करते हैं, प्लांट्स लगाते हैं मॉडर्न बिल्डिंग, जो आजकल बिल्डिंग्स बन रही हैं उनमें ये प्लांट होता है, कि बारिश का पानी किसी बिल्डिंग की छत पर ऐसे इकट्ठा कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, उस स्टोर्ड वाटर को पाइप्स के जरिए, जैसे ये पाइप आप देख रहे हैं ब्लू कलर का पाइप, यस, स्टोर्स के जरिए सर्विस वेल, एक कुआं बना दिया जाता है, बोरवेल बना दिया जाता है, उसके अंदर उस पानी को छोड़ दिया जाता है, और फिर उस पानी के लिए, उस पानी का इस्तेमाल
रिचार्ज वेल, इस तरीके से अलग अलग पर्पसेस के लिए किया जाता है। मोटर लगा करके उस पानी को ऊपर खींचा जाता है और फिर उसको यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ द मॉडर्न हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक, एंड दिस वन इज़ द ओल्ड वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक जो पुराने ज़माने में यूज़ की जाती थी। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट कम्युनिटी सर्विसेज इन मॉडर्न टाइम्स, यानी आज के टाइम में हम किस प्रकार से कम्युनिटी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। कम्युनिटी लिविंग रिक्वायर्स ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन एंड टॉलरेंस। कम्युनिटी यानी एक समूह, एक ग्रुप, लोगों का एक झुंड जो है, ग्रुप है, समुदाय है। लिविंग रिक्वायर्स, जब हम कम्युनिटी में रहते हैं तो हमें ऑर्गेनाइजेशन, किसी संगठन की ज़रूरत पड़ती है एक साथ रहने की। कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे का सहयोग चाहिए। एंड टॉलरेंस, और सब्र और सहनशीलता होनी चाहिए। इंस्टेड ऑफ किंग्स, नाउ द गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज लुक आफ्टर द कम्युनिटी सर्विसेज। अब पहले के टाइम में कम्युनिटी सर्विसेज कौन प्रोवाइड करवाते थे? किंग्स, राजा महाराजा, क्योंकि उनके पास धन दौलत होती थी। बट नाउ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और उसके ने अपॉइंट की हुई एजेंसीज जो होती हैं वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं, जैसे बैंकिंग, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स, इस तरह की सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट जो चीज़ें होती हैं गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाते हैं सारी फैसिलिटीज़। ईच नेबरहुड रिक्वायर एसेंशियल सर्विसेज, हर एक नेबरहुड को, पास पड़ोस आपके सराउंडिंग्स को ज़रूरी चीज़ें चाहिए होती हैं, कुछ ज़रूरी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, रोड्स, मार्केट, सैनिटेशन एट्सेट्रा। इस प्रकार से ये सारी फैसिलिटी, जब आप किसी पास पड़ोस, अपने आसपास किसी गंदी जगह नहीं रहोगे, आप ऐसी जगह, ऐसी लोकेलिटी ढूंढते हो जहाँ पर सभी लोग आराम से, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी हो, पक्की सड़कें हों, स्कूल आसपास हो, हॉस्पिटल हो, पानी और बिजली की कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप उसी लोकेलिटी को चुनते हैं। इसलिए ये सारी फैसिलिटीज़ देने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ एजेंसीज को हायर किया है, एजेंसीज को, जो हमें ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती हैं मॉडर्न डेज में, मॉडर्न टाइम्स में। हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस द चेंजेस दैट हैव ऑकर्ड इन ट्रेवलिंग वाटर एंट्रीज इन मॉडर्न टाइम्स। अब लास्ट जब हमने डिस्कस किया था सारी की सारी फैसिलिटीज़ इन ओल्डन टाइम्स, कम्युनिटी सर्विसेज इन ओल्डन टाइम्स, और अब जो कम्युनिटी सर्विस हैं इन मॉडर्न टाइम्स, अब इन दोनों में हम कंपैरिजन करेंगे कि किस तरह से जो मॉडर्न टाइम में है वो चेंजेस आया है, ट्रैवलिंग्स में, वाटर्स में, ट्रीज में, वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में हम। नेक्स्ट इज ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग हैज़ अंडरगोन अ ग्रेट चेंज इन रिसेंट टाइम्स। ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। टुडे डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर अवेलेबल फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द पीपल। अब जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं आपके, यातायात के साधन हैं, वो सारे अवेलेबल हैं, बहुत सारे। पहले कारें नहीं थी, एरोप्लेन्स नहीं थे, मेट्रोज नहीं थी, शिप्स नहीं थे, सिर्फ तांगा, ओल्डन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, घोड़ा गाड़ी, इस तरह के मीन्स आपको अवेलेबल होते थे। अब टुडे डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर अवेलेबल, बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के साधन हमें अवेलेबल हैं, ताकि लोग जो हैं वो कन्वीनियंट हो सकें, सुविधा प्राप्त कर सकें। मैनी गेस्ट हाउसेस, रेस्टोरेंट्स, नाइट शेल्टर्स, यानी जहां आप अगर किसी दूसरे शहर में जाते हैं रात को जाकर कहां रुकेंगे, रात के लिए जगह, मोटेल्स एंड होटल्स प्रोवाइड कम्फर्ट एंड सेफ्टी टू द ट्रैवलर्स। और ये सारी जगह आपको पूरा आराम देती हैं, सारी सुविधाएं आपको इन जगह मिलते हैं, सभी फैसिलिटीज़ आप यहाँ इंजॉय करते हो। बेटर रोड्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स इंश्योर द स्मूथ मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स। अगर आप बाइक से जाते हो, कार से जाते हो, स्कूटर से जाते हो, तो फ्लाईओवर, ब्रिजेस, अच्छी सड़कें, ये सब आपको फैसिलिटेट करती हैं। फास्टर एंड मोर कम्फर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मेक ट्रैवलिंग अ प्लेजर। अब उससे भी ज़्यादा अगर आप जाए, सपोज़ करो आपने किसी जगह पर बहुत जल्दी जाना है, बहुत जल्दी पहुंचना है, बॉम्बे, आपने दिल्ली से बॉम्बे जाना है या दिल्ली से बेंगलोर जाना है, तो आप ट्रेन की जगह एरोप्लेन से जाइए, वो और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। बसेज की जगह एरोप्लेन से जाइए, कार, बस, ट्रेन, एरोप्लेन एंड शिप्स, दीज ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मेक योर ट्रैवलिंग मोर कम्फर्टेबल एंड प्लेजर। लुक एट दीज पिक्चर्स, दीज आर द मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जैसे दिस वन इज ट्रेन, एरोप्लेन, रिकोगनाइज दीज पिक्चर्स, कार एंड द शिप। डू यू नो बाइसिकल राइडिंग इज पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। बाइसिकल आप देखिए आज भी हम चलाते हैं, और पहले टाइम में आपके ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम में भी साइकिल का यूज़ होता था। इट मेक्स आर बॉडी फिट, एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, आपको फिट बनाती है, आपको फ्यूल इसमें नहीं चाहिए, इससे आपका फ्यूल सेव होता है, और फ्यूल यूज़ नहीं होगा तो आपका एनवायरनमेंट जो है वो
फ्रेंडली हो जाएगा. यस, नेक्स्ट वन इज वाटर. वाटर इज सप्लाइड थ्रू पाइपलाइंस इन मोस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री. हमारे पास पानी, आप देखना आपके घर में पानी कहाँ से आता है. आप कहोगे टैप से आता है. टैप में पानी कहाँ से आता है, आप कहोगे टैंकी से आता है. और टैंकी में पानी कहाँ से आता है, तो वो पाइपलाइन के थ्रू आता है. ये नहीं कि रात को आके उसमें कोई बाल्टी भर के पानी चला जाता है, ऐसा नहीं होता. पाइपलाइन के थ्रू आपके पास, आपके घर में, आपके देश में पानी पहुंचता है. सम एरियाज आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन वेल्स. लेकिन कुछ एरियाज, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात साइड चले जाओ तो बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं. अभी पीछे तमिलनाडु में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी पानी की. स्टिल डिपेंडेंट ऑन, अभी भी वहाँ पानी वेल्स यानी कुओं से, स्प्रिंग्स, झरने, जो पानी के झरने होते हैं, नेचुरल झरने, नदियों से, पहाड़ों से बहकर जो आते हैं, रिवर्स, नदियाँ और लेक्स, झीलें, इन सब से वो पानी, अब की फैसिलिटी, ज़रूरतें अपनी पूरी करते हैं. ट्यूबवेल्स प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन एंड अदर पर्पसेस इन एरियाज दैट आर फार अवे फ्रॉम रिवर्स, कनाल्स एंड स्ट्रीम्स. जो ट्यूबवेल होते हैं खेतों में पानी, आप जिस जिसके घर में खेत होंगे ना बच्चों, वो सारे के सारे स्टूडेंट जा कर के अपने घर में, अपने खेत में जा कर के देखेंगे. ट्यूबवेल्स, ट्यूबवेल जो होते हैं वो पानी को प्रोवाइड करवाते हैं इरिगेशन के लिए, अदर पर्पसेस, सिंचाई के लिए, यानी खेतों में पानी देना है तो जैसे ये खेत में पानी दे रहे हैं ना, तो ये ट्यूबवेल है. देखिए, लुक एट दिस, दिस इज ट्यूब वेल. ट्यूब मतलब इस तरह से एक ट्यूब है, वेल मतलब कुआं. कुएं के अंदर एक ट्यूब, लोहे की ट्यूब डाली जाती है, पाइप डाला जाता है और उससे पानी निकाला जाता है. और वो बहुत गहराई में, बोरवेल में, बहुत नीचे तक होती है ज़मीन के. इवन टुडे इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया वुमेन हैव टू फेच वाटर फ्रॉम डिस्टेंट प्लेस इन पिचर्स. कहते आज भी भारत में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर पानी दूर दूर से लाना पड़ता है. लेडीज़ को जाकर के बहुत दूर दूर से पानी लाना पड़ता है. वाटर पॉल्यूशन हैज़ बिकम अ मेजर कंसर्न इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया. और मोर ओवर दूसरी प्रॉब्लम क्या है, एक तो पानी की वैसे ही स्केयरसिटी है, पानी नहीं है. नेक्स्ट दूसरी प्रॉब्लम है, हम पानी को पोल्यूट करते हैं, उसमें गंदगी गिराते हैं, इंडस्ट्रीज का वेस्ट, सारा वेस्ट हम उस पानी के अंदर गिरा देते हैं. इट इज़ मेनली कॉज्ड बाय डंपिंग ऑफ हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट. सारा इंडस्ट्रीज वेस्ट, अपने घरों का जो कूड़ा होता है, जो गंद होता है, वो सब हम कहाँ गिराने की कोशिश करते हैं, पानी में, जिससे वाटर पॉल्यूशन इंक्रीज होता है. डू यू नो वी मस्ट ऑल वो टू स्टेप द इमर्सन ऑफ आइडल्स, गारलैंड्स एंड अदर वेस्ट इन टू वाटर बॉडीज. दूसरी किस चीज़ से वाटर पॉल्यूशन बढ़ता है, कूड़े से, जो आप कूड़ा और इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो फैक्ट्रीज का वेस्ट होता है सारा, वो सारा उससे तो होता ही है. सेकेंड थिंग है, जब हम पानी के अंदर मूर्तियाँ, जैसे अब गणेश विसर्जन होता है, दुर्गा पूजा पे विसर्जन होता है, वो सारे के सारे जो फूल मालाएँ मंदिरों में चढ़ती हैं, वो सारा वेस्ट हम कहाँ डाल देते हैं, पानी के अंदर. उससे पानी क्या हो जाता है, और ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है. सो वी मस्ट ऑल वो, इसलिए हमें अपने आप से प्रॉमिस करना है, कसम दिलानी है, शपथ दिलानी है अपने आप को कि हम आज के बाद कभी भी मूर्ति पूजा की जितनी भी चीज़ें हैं, मूर्तियां हैं, मालाएं हैं, या पूजा का जो भी सामान है, पानी में नहीं फेंकेंगे. इससे वाटर पोल्यूशन बढ़ता है. नेक्स्ट ट्रीज़. ट्रीज़ पर देखिए कहाँ चेंजेस आए. ट्रीज़ ओल्डन टाइम्स में और मॉडर्न टाइम में, ट्रीज़ प्रोवाइड अ ग्रीन कवर टू आवर अर्थ. वी नो दैट ट्रीज़, बिकॉज ऑफ ट्रीज़ आर अर्थ लुक्स ग्रीन. हमारी अर्थ ग्रीन नज़र ही ट्री की वजह से आती है, ट्रीज़ की वजह से आती है, प्लांट्स के कारण आती है. दे आर अवर बेस्ट एंड मोस्ट वैल्यूएबल फ्रेंड्स. ट्रीज हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं. आप पढ़ते हो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज के बारे में. लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट ट्रीज. दे गिव अस इन्यूमरेबल गिफ्ट्स लाइक वुड, फ्लावर, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मेडिसिन, स्पाइसिस एंड शेड. ये सारे गिफ्ट्स हमें ट्रीज फ्री में देते हैं, इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं लेते वो. द मोस्ट इंपॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ ट्री इज दैट दे क्लीन द एटमोसफेयर. जो एटमोसफेयर हम पोल्यूट करते हैं ना, गंदा करते हैं, ट्रीज उसको भी क्लीन करते हैं. कैसे? बाय कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड इंटू ऑक्सीजन. वो CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऑक्सीजन में चेंज कर देते हैं. डू यू नो अ वाइज मैन वॉज आस्क्ड व्हाट ही वुड डू इफ ही न्यू दैट ही हैड ओनली वन मोर डे टू लिव. एक बुद्धिमान आदमी से ने पूछा कि आप क्या करोगे. बुद्धिमान आदमी से पूछा गया कि आप क्या करोगे यदि आपको ये पता चल जाए कि आपके पास जिंदगी का सिर्फ एक ही दिन बचा है. He promptly replied, उसने बुद्धिमत्तापूर्ण समझदारी से आंसर दिया, I would plant a tree. मैं एक पेड़ लगा दूंगा. क्योंकि ट्रीज़ के बेनिफिट्स इतने हैं,
तो ट्री लगा के तो ट्री याद रखेंगे ना सभी उसको कि आप इसने ये ट्री लगाया था। तो उसी तरह स्टूडेंट्स अब वन महोत्सव आ रहा है जुलाई में, वो आपने भी सबने अपने पेरेंट्स के साथ मिल करके ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाने हैं, अपने एरिया को आपने बिल्कुल ग्रीन कर देना है, ट्रीज लगाने हैं और फिर लगा करके उनकी देखभाल भी करनी है। यू हैव टू लुक आफ्टर दैट ट्रीज जब तक कि वो बड़े नहीं हो जाते। ओके स्टूडेंट्स, प्रॉमिस मी, वेरी गुड। नेक्स्ट, इन रिसेंट टाइम्स फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर। लेकिन आजकल के टाइम में पॉपुलेशन बढ़ गई है, हमें मकान चाहिए, हमें खेती करने के लिए ज़मीन चाहिए, हमें इंडस्ट्रीज़ लगाने, फैक्ट्रीज़ लगाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए होटल्स भी चाहिए, हमें रेस्टोरेंट्स भी चाहिए, हमें फैक्ट्रियों के लिए भी जगह चाहिए, ट्रांसपोर्ट, सड़कें, सब चीज़ों के लिए हमें चाहिए। अब आप खुद देख लीजिए पुलिस लाइन के आसपास के एरिया में कितनी सारी सड़क बन रही है, लंबी बन रही है ना लंबी सड़क, तो उसके लिए कितने सारे पेड़ कटे। तो हम लोग अपनी फैसिलिटीज़ के लिए जंगलों को, फॉरेस्ट को, ट्रीज़ को कट कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। द कटिंग ऑफ ट्रीज हैज़ डिस्टर्ब्ड द बैलेंस ऑफ नेचर, इससे हमारी नेचर का बैलेंस बिगड़ जाता है। इट हैज़ क्रिएटेड एयर पोल्यूशन, इससे क्या क्या इसके हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, इससे एयर पोल्यूशन बढ़ता है। लोअर द लेटर ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, और इससे ज़मीन का जो लेवल है, क्योंकि जो ट्रीज़ होते हैं ना वो उनकी जड़ें बहुत नीचे तक होती हैं और वो सारे के सारे पानी को जब बारिश आती है तो वो पानी अंदर तक सोख लेती हैं, तो उससे क्या होता है अंडरग्राउंड लेवल जो होता है वाटर का वो भी रिड्यूस हो जाता है। स्पीशीज ऑफ एनिमल, बर्ड्स एंड प्लांट्स, और बहुत सारी जो प्रजातियाँ हैं एनिमल्स की, बर्ड्स की, वो सारी ख़त्म हो जाती हैं। नाउ पीपल आर बिकमिंग अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग नेचुरल रिसोर्सेज। लेकिन आजकल के टाइम में इस जनरेशन ने ये एफर्ट्स किए हैं, दे सेविंग नेचुरल एनवायरनमेंट रिसोर्सेज, इन्होंने नेचुरल एनवायरनमेंट रिसोर्सेज को सेव करना शुरू कर दिया है। जैसे वाटर, हम लोग पानी भी कम वेस्ट करते हैं, जंगलों को भी कम साफ करते हैं, वाइल्ड लाइफ को भी कम हार्म करते हैं, शिकार नहीं करते हैं। दे आर प्लांटिंग ट्रीज सो दैट द रूट्स एब्जॉर्ब द वाटर, हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाते हैं ताकि बारिश के टाइम में सारे का सारा पानी एब्जॉर्ब किया जा सके। एंड रेज अंडरग्राउंड वाटर लेवल, और अंडरग्राउंड वाटर लेवल को यानी ज़मीन के नीचे जो पानी का लेवल है उसको इंक्रीज किया जा सके। दिस विल ऑल्सो सेव आर वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। नेचुरल रिसोर्सेज आर द गिफ्ट्स ऑफ नेचर टू मैनकाइंड, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज मीन टू से जो प्रकृति में ने हमें दिए हैं, जो नेचर ने दिए, भगवान ने हमें दिए हैं, वो मानवता को यानी मानव, मैनकाइंड, हम लोगों को दिए हैं। इट इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैंड ओवर दिस हेरिटेज टू आर फ्यूचर जनरेशन्स, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी आने वाली अगली जनरेशन्स को ये सारी चीज़ें दे करके जाएँ। और गवर्नमेंट हैज़ बैंड कटिंग ऑफ ट्रीज, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स उठाए, ट्रीज़ को कट नहीं करना। मैनी प्रोजेक्ट हैव बीन स्टार्टेड टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएँ, और इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं, जैसे वन महोत्सव मैंने अभी आपको बताया। अब जुलाई में हर साल वन महोत्सव मनाया जाता है, तो आपने भी अपने घर में मनाना है। हालांकि हम स्कूल में इकट्ठे नहीं होंगे, लेकिन मैं भी पेड़ लगाऊंगी और आप भी लगाएंगे, और आप सभी मेरे को पिक्स भी भेजेंगे, ईच वन प्लांट वन ट्री, इस तरह के बहुत सारी फैसिलिटी जो प्रोग्राम्स हैं, प्रोजेक्ट हैं, वो गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं। स्टूडेंट्स, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ के ऊपर मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, देखिए आपके इस टॉपिक से रिलेटेड है, जिसको हम कहते हैं चिपको मोमेंट। चिपको मतलब चिपक जाना, एक दूसरी चीज़ से क्या होना, चिपक जाना। आप देख रहे हो यहाँ ट्रीज़ में, देखिए, लुक एट दिस, यस दिस पिक्चर वेरी केयरफुली, ये पेड़ है और लोग इन पेड़ों से कैसे चिपके हुए हैं, इस चिपके होने के कारण इस मोमेंट को चिपको मोमेंट का नाम दिया गया। चिपको मोमेंट क्रिएटेड अवेयरनेस दैट ट्रीज आर इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ, लोगों को पता चला कि पेड़ों की क्या इम्पोर्टेंस है। क्योंकि जब हमारे पास इंग्लिश ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, उन्होंने हमारे देश पे शासन किया था, उस टाइम में उन्होंने सड़कें, रेलवे लाइन बिछाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए पेड़ काटने शुरू कर दिए, जंगल पूरे के पूरे साफ कर दिए उन्होंने। तो लोग इस चीज़ से अवेयर हुए कि क्यों काटे जा रहे हैं ये पेड़, पेड़ कटने से नुकसान कितना है, तो उन्होंने क्या किया, पेड़ काटने से मना कर दिया लोगों जो काटने आते थे, और पेड़ों से ऐसे चिपक जाते थे कि पेड़ मत काटो, पहले हमें काटो फिर पेड़ काटना, यानी वो लोग इतने अवेयर थे उस टाइम में भी। सो वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड बाय प्लांटिंग ट्रीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई एवरी ईयर, इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ ट्री प्लांटिंग। सो यू ऑल आर अवेयर अबाउट द चिपको मूवमेंट एंड द वन महोत्सव नाउ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस आर बैक एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन। यस, किस एरिया में स्टूडेंट्स, यस गुजरात,
गुजरात में कुंड्स ज़्यादातर होते हैं। इन आर कंट्री वाटर इज़ मेनली सप्लाइड थ्रू, किसके थ्रू होती है हमारे देश में वाटर सप्लाई? पाइपलाइंस, पाइप के जरिए। नेक्स्ट, हेल्प बॉक्स इज हियर फॉर द फिल इन द ब्लैंक्स। स्टेप वेल्स हार्वेस्ट डैश वाटर। स्टेप वेल्स, सीढ़ियाँ उतर के जो पानी के अंदर हम जाते हैं, मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी, लुक एट दिस पिक्चर। यस, ये भी, ये देखिए, ये इस तरीके से, और ये देखिए ये वाली पिक्चर। ये कौन से वाटर को हार्वेस्ट करते हैं, कौन से पानी को सेव करते हैं? रेन वाटर। रेन वाटर कम्युनिटी सर्विस हैज ऑलवेज बीन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन डैश एंड डैश। कम्युनिटी सर्विसेज हैज ऑलवेज बीन, हमेशा से, स्टार्टिंग से ही एक पार्ट रहा है इंडियन डैश। यस, पिकअप किस चीज़ का पार्ट रहा है? यस, इंडियन हिस्ट्री इज कम्युनिटी सर्विसेज इंडियन हिस्ट्री का पार्ट रहा है। हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर, हमारी संस्कृति है हमेशा दूसरों की सेवा करना। डैश अ ग्रेट रूलर अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड रोड्स फॉर द प्रोग्रेस ऑफ ट्रेड। कौन सा ऐसा राजा था हमारा जिसने सबसे पहले व्यापार करने के लिए अच्छी सड़कों की ज़रूरत को समझा कि व्यापारी तभी हमारे देश में आएंगे जब सड़कें अच्छी होंगी? दैट वॉज अशोका, अशोका था वो। नेक्स्ट, सिसांद्रा वर बेल्ट इन डैश। सिसांद्रा कहाँ बनाया जाता है, कहाँ पर होता है सिसांद्रा? कर्नाटका। असराय इज अ डैश हाउस। लास्ट वन इज रेस्ट हाउस, सराय एक रेस्ट हाउस है। नाउ वी आर डूइंग ट्रू फॉल्स। स्टेप वेल्स आर नॉट कॉमन इन गुजरात एंड राजस्थान। गुजरात और राजस्थान में स्टेप वेल्स कॉमन नहीं है, वहाँ नहीं पाए जाते, तो इट इज फॉल्स, क्योंकि वहाँ पर होते हैं। पीपल आर अनअवेयर अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ ट्री प्लांटेशन। लोग आज भी पेड़ लगाने के इम्पोर्टेंस को समझते नहीं हैं। नो, टुडे वी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज लुक आफ्टर कम्युनिटी सर्विसेज इन मॉडर्न टाइम्स। गवर्नमेंट और उसकी एजेंसीज जो हैं वो हमारी कम्युनिटी सर्विसेज का ध्यान रखती हैं। यस, गवर्नमेंट ने वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ये सारी चीज़ें हमें दी हैं। वाटर पोल्यूशन हैज़ बिकम अ मेजर कंसर्न इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। वाटर पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा है हमारे देश में। यस, इट्स ट्रू। वाटर हार्वेस्टिंग इज अ मॉडर्न टेक्निक। नो, इट ऑल्सो यूजेज इन ओल्डन टाइम्स। ये पुरानी टेक्निक है, हम पहले भी इसका यूज करते थे। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर आई विल सेंड यूर डॉक्स format and you have to write all the question answers in your notebook. Okay students, till then goodbye, take care.